कानपुर के भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान खंडवा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया और सरकार के अतिक्रमण की मुहिम पर कई तरह के सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटा रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर सारी प्रक्रिया, सारे कानून को ताक में रखकर छोटे लोगों को और छोटे व्यापारियों को टारगेट बनाकर दुकानें तोड़ी जा रही हैं। वह बोले कि ये सरासर गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें इस अतिक्रमण कार्यवाही पर आपत्ति है। सांसद चौहान ने कहा कि हम शासन की इस कार्यवाही का विरोध करते हैं। वहीं खंडवा पुलिस अधीक्षक को आड़े हाथों लेते हुए सांसद ने कहा कि वह हमारे कमलनाथ के एसपी हैं, वह हमारे देश में रहने वाले नागरिकों की नागरिकता ही निरस्त कर दे, उनकी जो मर्जी है वह करे। वहीं प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार तानाशाही हो चुकी है। खंडवा से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।